एज अ खलनायक है कुछ अपने किरदार के बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ अपने किरदार के बारे में, तो अब तक मैंने जितनी फिल्में की हैं, सेहरा बांध के आऊँगा के बाद, और ये रजनीश जी के साथ मेरी तीसरी फिल्म थी डमरू, और ये, और बहुत ही कमाल का करेक्टर है मेरा इस फिल्म में, विलेन हूँ फिल्म का, खलनायक हूँ और एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस बार कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और किस हिसाब से आज के डेट में जो इश्यूज हो रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, और जो PWDs में जो माइंस जो ब्रिज गिर जा रहे हैं, उस टाइप की एक फिल्म है जिसमें मेरा कैरेक्टर है। और ये फिल्म टोटली बेस्ड ऑन एक कहानी ऐसी है जो जिसमें अवधेश जी हैं, अवधेश जी के बेटे सुशील जी हैं और कल्लू जी हैं, और मैं इनका एंटागोनिस्ट हूँ इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो आप फिल्म देखने से शायद एक बार वो लगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि फिल्म जाकर आप लोग देखिए सिनेमा हॉल में, ये आपको एक फिल्म गॉडफादर याद आएगी कि हमने एक बहुत अच्छी फिल्म भोजपुरी में देखी, अलग स्क्रिप्ट है सिनेमा की। फिल्म में इमोशंस इतने प्यारे हैं और एक्शन का भरमार है, गाना आप देख ही रहे हैं कैसी शूट हो रही है, तो रजनीश मिश्रा जी की ये कोशिश बहुत ही अच्छी है, और मैं मेरी दिली इच्छा होगी आप सब सिनेमा जाकर देखिए। और इस फिल्म में एक से एक परफॉर्मर है, इसमें सुशील भैया हैं, हमारे अवधेश भैया हैं, हमारे संजय भैया हैं, ये तीनों भोजपुरी सिनेमा का एक स्तंभ है एक्टिंग में, तो मैं चाहूँगा कि आप सब जाकर इस सिनेमा को देखें। इसके अलावा और भी बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, तो इस फिल्म में आप कहीं ये नहीं कर सकते कि इस फिल्म में कोई दोष नहीं निकाल सकते, मेरे हिसाब से अश्लीलता नहीं है इस फिल्म में, अभी क्लियर कर दूँ मैं आपको। कल्लू जी की बात कर ली जाए तो फिल्म कल्लू जी के साथ आप कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कल्लू जी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम के सुपरस्टार हैं वो, इतना ज़रूर कहूँगा कि राज तिलक अब तक उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके पहले कल्लू जी ने काफ़ी फिल्में की हैं, लेकिन ये टीम उनको पहली बार शायद मिली है। रजनीश मिश्रा जी डायरेक्टर हैं, हमारे प्रदीप शर्मा जी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने डमरू बनाई थी, इसके साथ में मैंने जैसे बताया अवधेश जी हैं, सुशील जी हैं, संजय जी हैं, तो किसी कोई भी ऐसी फिल्म नहीं होती जहाँ तीनों लोग एक फिल्म में आ पाए, मुझे लगता है शायद ये पहली फिल्म है जिसमें तीनों लोग एक साथ हैं, और इसमें हिंग बोल सकते हैं आप, तड़का बोल सकते हैं, हीरोइन है, प्यारी हीरोइन है उसमें, सोनालिका हीरोइन है जो लॉन्च हो रही है इस फिल्म से, और एक और इसमें एक ज़ीरा और उसका जो मसाला गरम मसाला मैं हूँ, मेरे साथ और भी कलाकार हैं। तो कल्लू जी के बारे में इतना कहूँगा कि बहुत मेहनती हैं, बहुत अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ईमानदारी से अपने काम को बखूबी निभाते हैं और टाइम पे काम करते हैं, और मैं यही चाहूँगा कि वो इसी तरह काम करते रहें, और बहुत दिल अजीज़ हैं, सबके प्यारे हैं, बहुत मस्ती भी करते हैं, उम्र में छोटे हम सबसे तो मस्ती भी बहुत करते हैं। तो कल्लू जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इसी तरह आप जो जिस ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हैं उसी तरह करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल इसलिए देखने चाहिए कि जिस हिसाब से अगर हम एक पैटर्न चलता है सिनेमा में भोजपुरी में, अगर मेहंदी हिट हुई है तो मेहंदी के हिसाब से कहानियाँ आने शुरू हो जाती हैं, अगर कोई निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म चली तो उस हिसाब का एक ट्रैक चालू हो गया। रजनीश मिश्रा जी की एक खासियत मैंने देखी, उन्होंने मेहंदी से शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने एक लव स्टोरी मैं सेहरा बांधता हूँ लेके आए, उसके बाद उन्होंने एक माइथो फिल्म लेके आए डमरू, उसके बाद ये राज तिलक फिल्म है, तो ये तीनों आप इसको किसी से जोड़ नहीं सकते कि रजनीश जी इसी ट्रैक पर चलते हैं, या मैं कहूँगा कि किसी एक भोजपुरी फिल्म का ट्रैक है ये उससे मिलता जुलता हुआ है, बिल्कुल किसी से नहीं मिलेगा, एक अलग कहानी है और बहुत ही संपूर्ण कह सकता हूँ कि संपूर्ण फिल्म है जिसमें एक्शन भी है, कॉमेडी भी है और ड्रामा भी है और बहुत अच्छी इमोशंस भी हैं, तो मैं इसलिए कहूँगा कि ये फिल्म ज़रूर देखें, और अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आया तो आप ज़रूर मेरे वॉल पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे कमेंट करें कि ये फिल्म मुझे नहीं अच्छी लगी, आपने बोला था देखिए अच्छी फिल्म है, मैं आपको बोलता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम अनीता रावत है और मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और दिल्ली में रहती हूँ और अभी 3 साल से बॉम्बे में। फिर रही मेरे फिल्म की बात, तो आज हमारी फिल्म का लास्ट डे है, राज तिलक का गाना शूट हो रहा है और बहुत अच्छा सिनेमा बना है, हमारे डायरेक्टर मिस्टर रजनीश मिश्रा जी ने बहुत मेहनत करी है, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और प्रदीप शर्मा जी हमारे इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं और अनीता जी उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, हर एक आर्टिस्ट के ऊपर इतनी मेहनत करना तो
लाजवाब है और मेरी तो फर्स्ट मूवी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को कि कब ये रिलीज़ होगी। आई थिंक फैब में रिलीज़ होने वाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपके लिए ये फिल्म कितनी खास है? मेरे लिए ये फिल्म बहुत ख़ास है बिकॉज इस मूवी में बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। कल्लू है ऑब्वियसली हीरो में, कल्लू है, सोनालिका प्रसाद हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं जो सभी के दिलों पर राज करते हैं, सुशील सिंह जी हैं जिनके अपोजिट उनकी वाइफ का कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, और एक बड़ी बहू जो घर में जो पूरा परिवार संभालती है, और उसके बाद जब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है उसकी लाइफ में, वो कैसे एक हैप्पी से कैसे सैड मूड में चली जाती है, तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस मूवी में, तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगी कि ये जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाए। कुछ बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको फिल्म के सेट पर शूटिंग करने का? शूट कर रहे थे, हाँ हम लोग बनारस में शूट कर रहे थे और ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत गर्मी थी, मतलब एक तरीके से इतनी गर्मी थी कि शूट करना मुश्किल था, बट जिस तरीके से हमारे को स्टार हैं और जितने भी लोग हैं उनका इतना बड़ा सपोर्ट था, इतना हंसी मजाक हम लोग सेट पे करते थे कि कभी लगा ही नहीं कि इतनी गर्मी है। हम लोग बहुत फ्रेश मूड से शूट करते थे और सुबह से लेके शाम तक शूट करना, फिर इंजॉयमेंट करना, मतलब कभी भी स्ट्रेस वाला माहौल हमें सेट पे मतलब महसूस ही नहीं हुआ। नीता जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। मिश्रा जी के साथ मतलब सब लोग बोलते हैं वो बहुत डरावने हैं, हर किसी को ऐसे रावण कह के बोलते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा देख के बिल्कुल भी नहीं लगा उनको। आई थिंक जो इंसान बाहर से बहुत सख्त दिखता है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट इंसान होता है, तो मेरे हिसाब से उनसे मैं तो कभी नहीं डरी, ये फैक्ट है, कभी भी नहीं डरी। नहीं नहीं हाँ ये मैंने भी सुना है, वो बहुत बार सुना है, बट इसमें उनकी किस्मत शायद मैं बोल नहीं सकती कि अच्छी थी, बिकॉज इस मूवी में मैं सुशील जी के अपोजिट थी और उनकी बहू का कैरेक्टर कर रही थी, तो कभी इस नज़र से शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं। हाँ बट मैं ये बोल ज़रूर सकती हूँ कि इसके बाद लगातार मैंने 4 फिल्में करी हैं और उसमें मैं उनकी वाइफ का कैरेक्टर कर रही हूँ, तो तब थोड़ा मुझे लगा कि हाँ कुछ शैतानी पल झलक रहा है उनके अंदर से, बट नहीं वो वैसे बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं। ये बहुत टफ क्वेश्चन है। हैंडसम कौन है? ये किसने मिश्रा जी ने बोलने को बोला कि ये क्वेश्चन? देखा जाए तो दोनों बहुत अच्छे हैं, और अगर मुझे ज़्यादातर अवधेश मिश्रा बहुत पसंद है बिकॉज वो जो थोड़ा वो टकलापन जो उनमें सूट करता है ना, वो बहुत बहुत हैंडसम लगता है। नहीं अमरीश पुरी तो बिल्कुल ही अलग हो गए। वो ऐसा लगता है भोजपुरी के बिना बालों वाले शाहरुख खान है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। नहीं नहीं सर कहाँ फंसा रहे हो मुझे। अगर ऑब्वियसली अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी मूवी बने जिसमें मैं कभी एज अ मतलब हीरोइन का कैरेक्टर करूं, तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूं कि मेरे अपोजिट अगर कोई एक्टर हो तो अवधेश मिश्रा हीरो। एक्चुअली पहले मेरा मूड ही था कि मैं आइटम ही करूं, बट कैरेक्टर में चली गई, बहुत अच्छा लगा मुझे कैरेक्टर्स करके भी, बट मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, अभी रिसेंटली मैंने बहुत कम किया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे चल के मैं भोजपुरी मूवीज़ में आइटम के तौर पे भी एक अपनी छाप छोड़ूं, और दिल से क्योंकि बेसिकली मैं डांसर भी हूं, तो दिल से चाहती हूं कि हाँ करूँ। रजनीश सर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, बिकॉज मतलब एक ऐसा, पहले तो वो बहुत हैंडसम है, रजनीश सर बहुत हैंडसम है। नहीं नहीं उनको नहीं बोला, मेरी मूवी में मोस्टली सब हैंडसम थे, मतलब ऐसा मैं सही बताऊँ राज तिलक में एक एक कैरेक्टर ऐसा है ना जो लगता है कि हाँ मतलब खाते पीते घर का है, चाहे वो छोटे बेटे से लेके बड़ा बेटा, बहू, माँ, ससुर जी, मतलब सब खाते पीते घर के लगते हैं, कोई चूसा हुआ सा नहीं लगता। तो बहुत अच्छा है। तो रजनीश सर एज एन डायरेक्टर बहुत बहुत सुपर्ब है, और मैं सही बताऊँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर मेरा सबसे अच्छा मतलब पसंदीदा
है, अगर कोई डायरेक्टर है तो वो रजनीश मिश्रा है, बहुत सपोर्ट करते हैं एक आर्टिस्ट को, जितना सपोर्ट शायद वो करते हैं शायद, और स्क्रिप्ट पे इतनी बारीकी से काम करते हैं, और सेट पे मतलब कभी भी आर्टिस्ट को ये फील नहीं होने देते कि आप नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छा है उनका। नहीं उनकी वाइफ बहुत खूबसूरत है, सॉरी अनीता जी, बल्कि मेरी नाम राशि है, तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी सेट पे, और वो बहुत प्यारी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं हर किसी आर्टिस्ट को, तो बहुत अच्छा है उनका। अरविंद अकेला कल्लू के साथ मेरी 3 फिल्में हो गई हैं, और मतलब कभी लगी ना, कभी नहीं लगता था कि वो छोटा है मेरे से, वो इतना मतलब फनी है और इतना प्यार से रहता है वो सेट पे, मतलब हमेशा एक दोस्त की तरह बोलो या छोटे भाई की तरह बोलो, उस तरीके से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, और वो भी हमें ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा है। नीता जी, आप गए भोजपुरी हैं, या वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, मैंने गढ़वाली बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, बट जब मैंने भोजपुरी कभी मेरा, मैं भोजपुरी फिल्म्स देखती थी, और मैंने भोजपुरी फिल्म्स देखना स्टार्ट किया दिनेश जी की वजह से, बिकॉज मैंने दिनेश जी की एक फिल्म देखी थी निर्वा रिक्शे वाला, जिसमें मुझे दिनेश जी इतने पसंद आए थे कि मैंने उसके बाद उनकी एक के एक मतलब मूवी सारी देख ली थी, तो मुझे भोजपुरी बहुत पसंद आई। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड कर लिया था एक साल पहले कि मुझे भोजपुरी में आना है। लोग कहते हैं कि उनको हिंदी इंडस्ट्री में जाना है, ऑब्वियसली उत्तराखंड की लड़की जिसे भोजपुरी का कोई शब्द नहीं आता, फिर भी उसने अपने दिल में ठान लिया था कि नहीं, उसको भोजपुरी करना है, और आज लक है मेरा कि मैं एक साल में मैंने 8 मूवीज़ करी हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत क्वेश्चन कर, सबसे पहले तो हमें देखने वाले सारे दर्शकों को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ, और आज हमारी फिल्म राज तिलक का लास्ट डे आज कंप्लीट होने वाली है, हम लोग सॉन्ग का शूटिंग कर रहे हैं मीरा रोड के बहुत ही खूबसूरत पार्क में, तो अच्छा लग रहा है कि पहली बार इतना बड़ा पार्क में हम लोग शूट कर रहे हैं। मैं तो घूमने भी नहीं गया था इतना बड़ा पार्क में, लेकिन इसी बहाने में घूम भी लिया, और पार्क का एक एक कोना में हम लोग शूट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग बनेगा। कितना एंजॉय कर रहे हैं पार्क में घूमने का? बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि बॉम्बे में अधिकतर हम लोग स्टूडियो में शूटिंग करते हैं, लेकिन पहली बार पब्लिक के प्लेस पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक चीज़, जैसे झूला पे बैठ के, ट्रेन पे बैठ के, तो मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कभी बैठे ही नहीं हम झूला पे, कभी नहीं बैठे हैं, देख के डर लगता है ऊंचाइयों से। बचपन की कितने यादें ताजा की, जो कि बचपन में, बचपन में हमको माइक थमा दिया गया था, तो मेला में घूमे नहीं, मेला में बस हम शो करने गए हैं, तो हम देख के खुश हो जाते हैं, फील कर लेते हैं कि नहीं हम भी घूम रहे हैं, तो कभी घूमे नहीं है, लेकिन इस फिल्म के बहाने आज मैं मेला घूम रहा हूँ, और सोच रहा हूँ कि एक मेला के ऊपर फिल्म बने, ताकि मैं बचपन में नहीं घूम पाया, जवानी में घूम लूँ। तो अरविंद जी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी है, लेकिन ये फिल्म दर्शकों के लिए कितनी खास है? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस फिल्म का जो नाम है राज तिलक, इसके डायरेक्टर हैं हमारे रजनीश मिश्रा सर, और प्रोड्यूसर हैं प्रदीप शर्मा जी एंड पदम सिंह जी, बाबा मोशन पिक्चर के बैनर तले फिल्म बन रही है, बहुत ही प्यारी पिक्चर बनी है, इसमें इंडस्ट्री के सारे सीनियर लोग हैं, एक जूनियर में मैं ही हूँ, छोटा सा उन लोग का भाई अवधेश बाबा हैं, सुशील सिंह जी हैं, संजय पांडे जी, तीनों लोग के साथ पहली बार मैं काम कर रहा हूँ, देव भैया हैं, मट्टू जी हैं, सुबोध जी हैं, सारे लोग हैं, और पदम जी भी एक्टिंग किए, तो फर्स्ट डे तो मैं भी नर्वस हो गया था, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्टर लोग थे, और मैं उन लोगों के सामने क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन इतना उन्होंने सपोर्ट किया, और ये फिल्म की ऐसी कहानी है, पारिवारिक से लेके एक्शन से लेके पॉलिटिकल जोड़ा जाए, फुल रोमांटिक, मतलब रजनीश मिश्रा जी के साथ मैं भी चाहता था कि काम करूं, लेकिन राज तिलक के अवसर पर मुझे काम करने का मौका मिला, काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और गौटी देसी सिनेमा है। तो किस तरह के किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में? हमारे पिताजी बने हैं हमारे उदेश मिश्रा जी, बड़े भाई हैं सुशील सिंह जी, और सबसे छोटा, सबसे घर का प्यारा, सबसे घर का दुलारुआ मैं बना हूँ, जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ वैसे मैं इस फिल्म में भी हूँ, लेकिन एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे मैं चेंज होता हूँ, और वो चेंज आप लोगों को देखने के लिए सिनेमा हॉल के अंदर जाना पड़ेगा, तो प्लीज़ जब भी हमारी फिल्म राज तिलक लगे, 2019 में लगेगी, तो आप सभी लोग सिनेमा हॉल में ज़रूर जाइएगा, यूट्यूब पे बाद में देखिएगा। देखिए पहले क्या था कि हमको हीरो बनना था, तो कोई भी फिल्म आता था तो मैं कर लेता था, पापा को बोलता था नहीं फिल्म करना है, लेकिन अब जब फिल्में करने लगा, इतना कंपटीशन का दौर है, तो पहले स्टोरी सब्जेक्ट,
और डायरेक्टर और म्यूजिक खास करके ध्यान देते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ बहुत मायने रखती हैं। और यही कारण है कि आज जिसके साथ मैं सोचता हूँ वो लोग के साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ। हाँ, इस फिल्म में सोनालिका प्रसाद जी हमारे साथ काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और उम्मीद है कि आप सबको ये जोड़ी काफ़ी पसंद आएगी। और बहुत सारे कमेंट जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान ने एक बार कहा था, फिर एक सामने एक बात आई है कि वे पूरे भारत में रहने से डर लगता है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अभी अभी उनकी भी कमेंट आई पाँच दो दिन पहले। नहीं, ये एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे लोग खुल के आज़ादी से बोलते हैं। हमने बहुत से देशों में देखा है न्यूज़ के माध्यम से जहाँ पे कुछ बोलने से किसी को रोका जाता है, लेकिन ये मेरा देश आज़ाद है, सबको बोलने की आज़ादी है और हम लोग तो इस देश के वासी हैं, इस देश में ही जिए, इस देश में ही मरना चाहते हैं। तो शादी का सीजन चल रहा है, कोई शादी कर रहा है, तो अरविंद जी कब शादी कर रहे हैं? मतलब जले पे नमक क्यों छिड़क रही हैं? शादी करेंगे, देखते हैं, अभी तो बड़े भाई की शादी होने वाली है 2019 में, आप सभी लोग को इनवाइट करता हूँ। कल्लू जी, बात कही जाए कि कल्लू जी के इसके पहले लड़की खोजात रहे, हाँ। और अब कल्लू के बारात का जोरदार स्वागत भी किया गया गाने के माध्यम से। हाँ, एक मैंने सॉन्ग गाया था कल्लू खातिर लड़की खोजाता, जब लड़की ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरी भी शादी होने वाली, तो उसी पर मैंने एक सॉन्ग गाया हूँ, आप लोगों को सुनाऊँगा, इसके बाद सेट पर जाऊँगा जी। अरे एगो सुनर लईकी मिल गईल, मोरा पापा के मुछवा खिल गईल, अरे अब जाके मिलल बिया रे दादा, ढेर दिन से रहे खोजात, बक्सर से बॉम्बे जाई कलू के बारात। तो बक्सर से बॉम्बे में बारात लेके आ रहा हूँ। ये बारात कब जाने वाली है? अब वो डेट मैं बता दूंगा, अभी बता दूं कि बारात कब आएगी, सुहागरात। आपका जो ऑडियो गाना है ये कौन से कंपनी से? कल्लू ऑफिशियल मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उसी से लॉन्च हुआ है, तो आप सब लोग सुने। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल हमारी फिल्म आवारा बलम फुल मूवी वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गई है और काफ़ी अच्छा व्यूज़ भी आप लोग दे रहे हैं, तो आप सभी लोग जिन्होंने नहीं देखा आप लोग जरूर देखें और अपना ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू। आज हम लोग शूट पे आए हैं मीरा रोड में, शिवार गार्डन में, जो आज फिल्म शूट हो रही है राज तिलक की, जिसके प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा जी और एक्टर में अवधेश मिश्रा जी हैं, अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, सुशील जी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स हैं। और आज गाने का शूट हो रहा है जो बहुत अच्छी तरह से और बड़े बड़े पैमाने में अच्छा शूट कर रहे हैं, जो फिल्म बहुत जल्द कम्प्लीट होकर रिलीज़ होगी, आज मेरे ख्याल से कम्प्लीट होगी पूरी शूट। अभी लेटेस्ट मेरे गाने तो बहुत सारे रिलीज़ हुए हैं, निधि झा लुलिया के साथ में अभी लेटेस्ट गाना रिलीज़ हुआ है, इसके पहले रितु सिंह के साथ में रिलीज़ हुआ है, जो सारे अच्छे हिट और 1 मिलियन के ऊपर व्यूज़ जा रहे हैं। अभी जो हाल ही में जो लेटेस्ट गाना रिलीज़ हुआ है निधि झा का, मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। बोले लू जब होट से रस टपके, कमर कमानी जैसे लपके, राम जी बनावे में कतही नहीं खो कैले भूल भूल, अंदर से लागे लू कूल रानी, बाहर से ब्यूटीफुल। मेरे गाना सुन के अवधेश जी प्लीज़, भैया जी एक बार आ जाइए, अवधेश भैया जी प्लीज़ एक बार आ जाइए, आइए एक बार आइए, डांस कर रहे थे अवधेश मिश्रा जी। मेरे घर का नाम है बबलू भैया, सिंगर के रूप में मैंने भोजपुरी में बहुत सारे गाने आए हैं और अच्छा अच्छा धूम मचा रहे हैं, अच्छे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे फिल्मों में भी गाने का मौका मिला है। और अनिल चौरसिया के रूप में बहुत सारे फिल्में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आने वाले समय में आपको फिल्म भी मिलेगा देखने को, जिसको फिल्म मैं डायरेक्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। पत्रकारों की शादी भी इस समय सीजन चल रहा है, पत्रकारों की शादी हो रही है, तो उनकी शादी में जाकर गाने के लिए तैयार हैं? हाँ ज़रूर, मुझे इन्विटेशन आया था, अभी किसी का सगाई हुई थी, पूजा जी का अभी सगाई हुआ था, जैसा दीपिका और रणवीर के फोटोग्राफ्स आए थे वैसे उस तरह से पूजा जी का और उनके फियांसे के फोटोज बहुत अच्छे तरह से वायरल हुए थे। और जितना रणबीर कपूर के और उनके फोटोज नहीं देखे, निक जोन और प्रियंका चोपड़ा, उससे कैसा था, मैंने पूजा जो पत्रकार है उनके फोटोज मैंने हर जगह फेसबुक व्हाट्सएप और ट्विटर पे दिखाई दिया, तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने शादी की डेट भी है फरवरी में, तो क्या आप नजर आएंगे वहां? जरूर जरूर, मुझे उन्होंने इन्विटेशन दिया है, 2 गाने शायद मैं उसमें
गाने वाला हूँ, तो थैंक यू वेरी मच पूजा जी, आपने मुझे इन्वाइट किया और गाने का मौका दिया, थैंक यू। शाहरुख खान मुझे देखा तो है ये शाहरुख खान वाहरुख खान कुछ नहीं, हमें कलाकार हैं, हमें कोई अमरीश पुरी बोले तो ज़्यादा खुशी मिलेगी, प्राण साहब बोले तो ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि वो लोग जरूर कलाकार हैं, शाहरुख खान लोग स्टार हैं, तो उनसे उपाधि जोड़ी है तो खेसारी जी की जोड़ी है, पवन जी की जोड़ी है, दिनेश जी की जोड़ी है, हमें कलाकार है, बाकी हीरोइन हर हीरोइनों के लिए शाहरुख खान है, हम हर फीमेल कलाकार के लिए शाहरुख खान सलमान खान या जो कहिए सब हमें, और उस बनने में मज़ा भी आता है, पब्लिक के लिए नहीं, पब्लिक के लिए केवल कलाकार है। काफ़ी दिनों से आप बहुत से लोगों को आपने प्रपोज किया और किसी ने अभी तक एक्सेप्ट किया है नहीं, कि अभी भी आप प्रयासरत हैं? प्रपोज करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? लोग वैसे ही मुझे सारी लड़कियां बहुत प्यार देती हैं, और प्यार है तो देखिए ताजगी है, फोटो पे लाली है। कोई एक ऐसा नाम जिसका ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा हो आपके दिल में, वो नाम? साहब मैं प्यार तो मैं सामने प्यार को बदनाम क्यों करे किसी का नाम लेकर के, एक यही तो नहीं कि एक नाम उसे नाराज हो जाएंगे ना, ये भी बात है। कौन सी बात है? ये भी बात है कि किसी का नाम लेकर के दूसरे को नाराजगी क्यों देने का। लेकिन आप दोनों में से कौन सी बात को ध्यान में रख के नाम लेंगे? देखिए मैं यही कहता हूँ, प्यार बड़ी ही हार्दिक चीजें होती है, उसको हृदय में ही बसा के रखना चाहिए, उसे जग जाहिर करने से प्यार बदनाम हो जाता है। जी तो फिल्म के बारे में कहना चाहूँगा कि राज तिलक एक ऐसी फिल्म बनी है जिसमें हर वो चीज़ है जो एक सिनेमा में होना चाहिए, मतलब एक अच्छी कहानी, उसके अच्छे डायलॉग्स, उसकी मेकिंग बड़ी खूबसूरत प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से, उसके गाने बड़े ही कर्णप्रिय, और सबसे अहम बात उस फिल्म में है उसके जितने भी कलाकार हैं, जितने भी परफॉर्मर हैं, हर कैरेक्टर में इस कदर पिरोए हुए हैं जैसे महाभारत में हर कैरेक्टर अपने आप में पिरोए हुए होते थे, चाहे भीष्म पितामह हो चाहे अर्जुन हो, हर कैरेक्टर किरदार अपने आप में इतना सुनियोजित था, तो वो सुनियोजन इस फिल्म में भी है, हर किरदार अपने अपने चरित्र में डूबे हुए हैं, हर कलाकार परिपक्व है इसमें, तो शायद इतनी अच्छी सशक्त अभिनय वाली फिल्में भोजपुरी में नहीं बनती हैं। मैं भी बहुत फिल्मों का हिस्सा होता हूं, कोई ना कोई कड़ी कमज़ोर होती है कलाकार के माध्यम से, लेकिन इसमें हर कड़ी बहुत मजबूत है। तो आज जो इस लोकेशन से शूट किया जा रहा है लास्ट सीन है यहाँ पर, तो गार्डन को देखते हुए कोई बचपन की यादें ताज़ा होती है? बचपन का मेला ताज़ा होता है, मेला में हम लोग जाते थे और उस समय चवन्नी लेकर के जाते थे, तो चवन्नी में हम लोग वो भरपेट खाना पीना भी खा लेते थे, आजकल चवन्नी चलता भी नहीं है, बनता भी नहीं है, लोग आज के जनरेशन को मालूम भी नहीं होगा चवन्नी के बारे में, तो हम लोग का ज़माना अलग था, ये मेला झूला वूला भी बड़ी बड़ी ऊंची जो ऊंचे ऊंचे झूले हैं ये हमारे ज़माने में भी होते थे, लेकिन इतना भाड़ा नहीं होता था, अभी इसका 50 रुपया भाड़ा है मैंने सुना है, हम लोग के टाइम पे मुझे लगता है 5 पैसे का भाड़ा होता था उसका, तो वक्त इतना बदल गया है कि पैसे की कोई कीमत नहीं रह गई है, अहमियत नहीं रह गई पैसे का, पहले जेब भर के थोड़ा पैसे ले जा करके बोरा भर के सामान आता था, बोरा भर के पैसे ले जाओ और जेब भर के सामान आता है, ऐसा वक्त बदल गया है, तो बहुत अंतर है हमारे ज़माने में आज के ज़माने में, मतलब मेरा ज़माना ही, इसका मतलब ये नहीं मैं कि आज़ादी के पहले की बात कह रहा हूँ, मैं चंद 20-25 साल पहले के पीछे की बात कह रहा हूँ, अचानक पैसे में जो कमी आई है और चीज़ों का जो दाम बढ़ा है, तो देश के हालात इस तरह से बढ़ते और बदलते चले जा रहे हैं, उसके हिसाब से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, पाप भी बढ़ रहा है, गुंडागर्दी भी बढ़ रही है, तो स्थितियां विपरीत होती जा रही हैं, हम बहुत सोशल मैसेजेस में चले गए नहीं, हम रियल लाइफ में आते हैं, फिल्मों पे आते हैं। जी राज तिलक में ऐसा खास क्या कि हर किसी को फिल्म देखना चाहिए? ये खास है कि एक सिनेमा है, सिनेमा के बहुत सारे जो विंग होते हैं जो उसको खास बनाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कहानी, डायलॉग्स, इसके गाने, इसकी मेकिंग, इसके परफॉर्मर्स, ये सारे लोग अपने आप में बड़े परिपक्व हैं और इनकी परिपक्वता ही इस फिल्म को बहुत आगे बढ़ाई है। हर फिल्म आपका गेटअप लुक कहीं ना कहीं अलग होता है, आपके किरदार काफ़ी अलग होते हैं, तो इसमें कितना अलग है आप? इसमें कोई मेरा गेटअप नहीं है, जो मैं हूँ वही है। जो भारत में रहने से डर लगता है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे एक के बाद एक लोगों की जब बातें सामने आती है वो ऐसा बोलते हैं कि उन्हें भारत में रहकर ही भारत में डर लगता है?
अब मैं बोलूँ कि मैं मेरे घर में डरता हूँ तो हमसे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी, कि घर में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। घर में डर लगता है तो कहीं ना कहीं से वजह हम खुद ही होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हम पाल लेते हैं अपने मन में, ख्यालात पाल लेते हैं कि भूत है, बेताल है, ये है, वो है। मतलब भय जो होता है भ्रम होता है, वो भ्रम पहले ही मन में पाल लेने से ही भय उत्पन्न होता है। वरना हिंदुस्तान जैसी जगह तो कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, कितने भी कुछ हो जाए, इतनी स्वतंत्रता आज़ादी की अभिव्यक्ति की मुझे नहीं लगता इस धरती के किसी भी कोने में है जितनी इस हिंदुस्तान की धरती पर है। तो किसी भी कलाकार का इस तरह का वक्तव्य देना उचित भी नहीं है। हम लोग की अलग दुनिया होती है और ये वक्तव्य तो कहीं से भी उचित नहीं है एक आम आदमी का भी देना, जो हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं, यहाँ का खाना खाते हैं, यहाँ की हवा आबो हवा लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, जो अपने आप में सबसे पूरे विश्व में सबसे महान है। ये इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे अंदर कोई हिंदू भाव आता है या हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है। सच है कि इतना महान देश कोई नहीं है। इस देश की महानता का बखान जिस रूप में भी करे वो शायद कम ही पड़ जाए। हर देश की जो का बखान करिए तो वो एक सिमट जाता है, शब्दों के दायरे में बन जाता है। यहाँ शब्दों के दायरों से परे एक अनंत दुनिया है भारत में। हर विधाएं हैं, हर विविधताएं हैं यहाँ पे, हर वो परिपूर्णता है जो शायद दूसरे देश में नहीं मिलती है। छोटे से लेके बड़े तक, गरीबी से लेके अमीरी तक, अच्छाई से लेके बुराई तक, सब परिपूर्ण है हमारा देश। और सच में ये देश रहने ही लायक है। अदय जी, बात करें जैसे कि आपकी जो कलाकारी अदाकारी है हर किसी के जहन में बसा हुआ है, और अभी भोजपुरी फिल्म अवार्ड 13वां फिल्म अवार्ड हुआ, इसमें भी आपको बेस्ट खलनायक का अवार्ड मिला। खलनायक नहीं, बेस्ट चरित्र अभिनेता का अवार्ड मिला। और बेस्ट चरित्र अभिनेता का अवार्ड मिलना, खलनायक में तकरीबन 20-25 अवार्ड मैंने लिए हैं, शायद ही ऐसा कोई अवार्ड होगा जो मैंने नहीं लिया। अवार्ड फंक्शन का अवार्ड, लेकिन जो जो दिल से तसल्ली मिली पहली ही ऐसी फिल्म जिसमें मैंने चरित्र नेता का किरदार किया, मेहंदी लगा के रखना, वो खुशी मुझे शायद अब तक उस रूप में नहीं मिल पाई है। और मुझे इस फिल्म के लिए जितने भी अवार्ड्स होते हैं, चाहे वो BIFA हो या सबरंग हो या मेहंदी ये विनोद भोजपुरी अवार्ड हो या कलकत्ता में जो अवार्ड हुआ, ये सब में मुझे चरित्र अभिनेता का ये अवार्ड मिला, जो मेरे लिए बहुत ही सम्मानजनक है। इसलिए कि मैंने इसमें पहली बार एक ऐसा किरदार निभाया जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ किरदार है। मेरे पिताजी के चरित्र को मैंने निभाया है। और अभी जो हुआ 2013 भोजपुरी अवार्ड, इसमें मैंने पिता का चरित्र निभाया और मेरी माँ के हाथों ये सम्मान लिया, अवार्ड लिया, तो मेरे लिए बड़ा सम्मानजनक अवार्ड था। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा उस वक्त का, उस ईश्वर का, जिन्होंने उस पल के लिए मेरी माँ को मेरे सामने रखा और उनके हाथों में अवार्ड ले पाया। जिसके डायरेक्टर रजनीश जी, उसके साथ मैं बनाया था। मैं सेहरा बांध के आऊँगा, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। उन्होंने इससे पहले मेहंदी लगा के रखना भी बनाई, बहुत अच्छी गई थी। उसके बाद प्रदीप शर्मा जी मेरे दोस्त हैं, उसके प्रोड्यूसर हैं, और ये पिक्चर बहुत अच्छी बन रही है और अच्छी चलेगी, क्योंकि रजनी जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और प्रदीप शर्मा बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। बेटी मुटी में खर्चा वर्चा भी करते हैं। इसके पहले वो हिंदी पिक्चर भी बना चुके हैं। मेरे तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से पिक्चर बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी बनी है। राज तिलक में मैं नेगेटिव रोल में हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसको कर रहा हूँ। तो आज के सीन को लेकर क्या कहेंगे कि आज के सीन में शूटिंग की जा रही है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आज आपकी क्या? ये हमारी फिल्म का ही एक हिस्सा है और हीरो के साथ में एक जो अभी कलाकार अफरीना जो डांस कर रही हैं, इनके साथ में एक इंटरेक्शन है। इसको हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जब पूरी पिक्चर आप देखेंगे तभी सीक्वेंस के बारे में आप बता पाएंगे या समझ पाएंगे। ये अपना फॉरेनर को आपने गाने में लेके आए? नहीं, फॉरेनर नहीं है ये, इस फिल्म की डिमांड थी, इस फिल्म की और इस गाने की डिमांड थी, इसलिए इसको इस रूप में लाया। आप प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं? नहीं, मैं प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर बाबा मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म, ये हमारी हम लोग के बॉस पहले डमरू फिल्म बनी थी, इसके पहले डायरेक्ट इश्क बनी थी, इसके पहले एक 13 साल बनी थी और एक माझा बाई को जा प्रियंकर, ये हमारे प्रोडक्शन हाउस फिल्म है। और एक्सरे हिंदी फिल्म जो अभी रिलीज पे है, उसका ऑलमोस्ट
खत्म हो चुका है, तो बाबा मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली ये पूरी की दूसरी पिक्चर है राज तिलक, और इसके मुख्य जो प्रोड्यूसर है वो प्रदीप शर्मा है और मैं इस फिल्म का को प्रोड्यूसर हूँ। क्या खास वजह रही इसमें बनाने के इसके पीछे? इसकी वजह ये रही कि मूलतः प्रदीप शर्मा जी बिहार के रहने वाले हैं और इसमें अवधेश मिश्रा, रजनीश मिश्रा और उनकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई और निश्चित तौर पर हम जब पहले हमने डमरू बनाई थी तो उसको भी हमने इस तरीके से जीता, घर परिवार की महिलाएं भी तौर पर इसमें जो कल्लू अकेला जिसका नाम अरविंद है वाराणसी के रहने वाले हैं, इन्होंने अद्भुत काम किया है और इतना पोटेंशियल, इतनी ऊर्जा और इतना समर्पण के साथ ये काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं। हालांकि जो हमारी डमरू पिक्चर थी इसमें भी जो केसारी लाल ने काम किया था, उन्होंने रात दिन मेहनत करके अपनी बॉडी को सबसे पहली बार एक्सपोज किया था, तो हमारे लिए केसारी लाल ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कल्लू में एक अलग से ऊर्जा हमको देखने को मिली। हीरोइन की बात की जाए, हीरोइन भी हमने इसमें सोनालिका को लिया है, अच्छा काम किया है और निश्चित तौर पर एक हिंदी फिल्म भी हमारे प्रोडक्शन हाउस के मिल जाएगी, तो उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर बहुत अलग है और अलग हटी फिल्म बनी है, सबने काम बहुत अच्छा किया है। कैमरा लुक में स्टार कास्ट से आप कितनी खुश थे? जो भी इसमें अभिनेता और अभिनेत्री हैं उन सभी स्टार कास्ट से कितनी खुश है? इसमें बहुत खुश हूँ और अभिनेत्री थे बहुत खुश हूँ। तो फिर भोजपुरी फिल्मों को लोग कैमरे में देखते हैं, अभद्र होती है, उसमें ऐसे सीन होते हैं कि लोग फैमिली के साथ बैठ के नहीं दे सकते, लेकिन ये फिल्म कुछ कैसी होती? ये साफ सुथरी फिल्म है और अच्छी है, बट आप सब देखेंगे। अब तक जितनी फिल्म की शूटिंग हुई है कहाँ कहाँ हुई है और अब तक की जो फिल्म की शूटिंग क्या कहना चाहिए? बनारस में हुई शूटिंग और मुंबई में हुई है जी। तो इसके बाद भी कोई फिल्म को प्रोड्यूस करने की सोच रही हैं आप? अभी टाइम है इसके लिए। आपने जैसा सोचा था वैसे फिल्म की मेकिंग हो रही है? हाँ, अभी जितनी फिल्म बनी है डब्लू के बाद अभी ये राष्ट्रीय बन रही है। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? मैं तो चाहूँगी कि सबको ही देखें तो समझ में आएगा कि हाँ अच्छी फिल्म। के हीरो हीरोइन की बात कीजिए, जैसे खासकर जो हीरो हैं अरविंद का कल्लू एक टॉप के सिंगर है, बहुत अच्छे से काम करता है। मेहनत जो हमने की थी और उस मेहनत का जो प्रतिफल मिला, नतीजा मिला, जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया फिल्म को सराहा और उसके हिसाब से इंडस्ट्री ने अगर मेरे काम को अप्रिशिएट किया तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और अपने दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे किए हुए काम को, मेरी पहली फिल्म थी मेहंदी लगा के रखना और उसी को लोगों ने पसंद किया और उसके पसंद के हिसाब से जो कुछ भी आज मालिक जिस लायक जिस बनाया है और जहाँ पे चल रहा हूँ तो उसमें ये अवार्ड एक और मजबूती देगा मुझे और एक और कुछ अच्छा करने का जज्बा अंदर क्रिएट करता है। जी, आज लास्ट है रात से लगता जी, कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में कि कैसा देखा है आपने पूरा? क्या कहना चाहेंगे, कैसा देखा है फिल्म? बहुत ही मैं बेसिकली एक रोमांटिक फिल्म मेकर हूँ जिसमें रोमांस को ज़्यादा तर्जियत देता हूँ और पारिवारिक मूल्यों को, तो इस फिल्म में भी मैंने बिहार या उत्तर प्रदेश के घर से बिलोंग करता हुआ एक फैमिली, उत्तर प्रदेश के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हुआ एक फैमिली दिखाने की कोशिश किया हूँ जो समाज की बुराइयों के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, वो फैमिली खड़ा होता है और कैसे स्टैंड आउट करता है, जो आज की तारीख में जो समाज का जो करप्शन है उसके अगेंस्ट कैसे लड़ता है, इसके कुछ पहलू हैं जो आप लोगों को बहुत दिल को छुएगा, जो पारिवारिक ताना बाना और इस फिल्म के अभिनेता के रूप में पहली बार कल्लू के साथ काम कर अरविंद अकेला कल्लू के साथ काम करने का मौका मिला है और नो डाउट कल्लू एक बहुत ही सुलझे हुए और टैलेंटेड एक्टर हैं। इस फिल्म को करते हुए ऐसा एहसास हुआ, ऐसे दिल से दुआ निकली कि ये लड़का जो आप सबको मैं बोल रहा हूँ कि विगत 2-3 सालों के अंदर आपको भोजपुरी सिनेमा के
क्षेत्र में एक सुपरस्टार दिखेगा, बहुत बड़ा स्टार जो भोजपुरी को बहुत आगे लेकर के जाएगा, वो अरविंद अकेला कल्लू है। इसके साथ साथ मेरे साथ इसमें अवधेश मिश्रा थे, संजय पांडे थे, सुशील सिंह थे। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी कोई फिल्म बनाऊं तो ऐसे चरित्रों को रखूं जो फिल्म को बेहतर, मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो काम हैं उसको बेहतर वो प्रस्तुत करें। और जब इन लोगों ने किया और फिल्म की एडिटिंग पूरी हुई, मैंने गाने दो तीन छोड़ रखे थे, वो गाने मुझे वहाँ पे लोकेशन नहीं मिले थे शूट करने के लिए, तो मुंबई में उसको शूट कर रहा हूँ, उसका आज लास्ट दिन है। पर फिल्म के एडिटिंग और डबिंग के बाद ये संतोष है कि मैंने एक अच्छी फिल्म बनाई है और अब आप सबके सुपुर्द करूँगा उस फिल्म को। जी जी बिल्कुल, बेसिकली ये फिल्म को मैं खेसारी लाल जी के साथ ही प्लान किया था, पर खेसारी लाल जी का डेट्स इशू हो गया उनके डेट को लेकर के, और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे उनकी भी इच्छा थी कि हम अरविंद अकेला कल्लू के साथ एक फिल्म करें। और आगे भविष्य में मैं अभी और हर एक निर्माता निर्देशक की ये आवश्यकता भी होती है, उसको फील भी होता है कि मुझे मैक्सिमम लोगों के साथ काम करने का मौका मिले। तो अभी मैं दिनेश लाल जी के साथ जैसे दो तीन फिल्में कर रहा हूँ। पूरा ग्लेयर आ गया क्या? पूरा हमारा है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ या उन्हीं खेसारी जी को छोड़ के मैंने उनके साथ काम किया। खेसारी जी एक बहुत ही सुलझे हुए, डेडिकेटेड और अपने काम के प्रति ईमानदार व्यक्ति हैं। वो जितना उनके अंदर टैलेंट भरा है वो सब आप जब उनसे रूबरू होते होंगे तो आप लोगों को पता है कि वो हंसाते खिलाते रहने वाला आदमी है, तो उनके साथ काम करने का एक अलग आनंद है। पर इस फिल्म में एक ऐसा लड़का चाहिए था जो घर का दुलारा है, छोटा है उम्र में, अभी शादी नहीं हुई है, और उसको देखने के साथ ही ऐसा आपको महसूस हो कि ये लड़का छोटा है और इसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ गई। तो ये फिल्म के हिसाब से कल्लू एक अच्छी कास्टिंग थे, और काम करने का मौका अभी दिनेश लाल जी के साथ कर रहा हूँ वंदे मातरम, और एक और सब्जेक्ट कर रहा हूँ उनके साथ भिखारी, और पवन जी के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ हम दिल दे चुके सनम, खेसारी जी के साथ एक बहुत खूबसूरत फिल्म, रोमांटिक फिल्म प्लान किया हूँ जो निकट भविष्य में ही करने वाला हूँ मैं, और कल्लू के साथ भी एक रोमांटिक फिल्म की प्लानिंग है। तो इंडस्ट्री के जो चार इस समय रूलिंग स्टार्स हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे वो दिनेश जी हों, पवन जी हों, या खेसारी जी हों, या कल्लू जी हों, सबके साथ काम करने का मौका मिला है। आप सबकी दुआएं चाहिए, बस दुआ मिलती है तो प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा काम करते हैं। बात करें जो आज गाने की शूटिंग का सिचुएशन क्या है इसमें? इस गाने का सिचुएशन है कि हमारी फिल्म में जो कल्लू हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड जैसे वो हैं, बेसिकली वो एक सिंगर हैं और एक रॉक स्टार हैं, भोजपुरी में उनका बहुत बड़ा नाम है ये सिंगर, बचपन से ही वो एक स्टार हैं। तो मैंने इस फिल्म में वही दिखाया उनको कि एक सिंगिंग करता हुआ लड़का जिसको परिवार भले कितना भी धनाढ्य हो और पारिवारिक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, पर उसको संगीत से बहुत रुझान है, लगाव है, तो उसी की एक कड़ी है ये गाना जो अभी आप पिक्चराइज हो रहा था, जिसके अंदर वो अपना गाना शूट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा जो उनका साथ दे रहे हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे? कल्लू जी के साथ में आज जो लड़की थी वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं, और वो पहली बार भोजपुरी की हैं, वो खूबसूरत डांसर भी हैं, और नियत वाइज और काम के प्रति उनकी जो लगन है वो भी बहुत खूबसूरत है, और निकट भविष्य में मैं उनके साथ और बड़ा एक फिल्म करने की पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी हैं वो और उनका डेडिकेशन जो है फिल्म के प्रति वो बहुत। हाँ, सोनालिका प्रसाद जी इस फिल्म की हीरोइन है, जो ऐसे मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी उन्होंने फिल्मों में काम किया है और एक दो फिल्मों में उन्होंने पहले काम किया है, तो लॉन्चिंग नहीं है, मैं उनको इस फिल्म में उनके साथ काम किया हूँ और बेहतर काम किया है उन्होंने, जो भी रोल है उसको बहुत बाखूबी निभाया है, और मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि निकट भविष्य में बहुत अच्छे से काम करें। आने वाली फिल्मों की बात की जाए आपकी, जो जल्दी आने वाली है उसमें किस तरह से इंटरटेनिंग करने वाले हैं, या जो आप रियल में जो जाने जाते हैं एज ए डायरेक्टर, एज ए संगीतकार? रियल में देखिए तो ये तो अच्छी तरह से राम बाबू आप जानते हैं कि मैं संगीतकार हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर, और अपनी फिल्मों में कोशिश करता हूँ कि संगीत पक्ष जो है उससे अपनी ऑडियंस को का भरपूर मनोरंजन करूं। इसके साथ ही साथ अगर
दिल में ये लालसा हुई कि म्यूजिक डायरेक्टर से बढ़ के डायरेक्टर का काम करूं, तो यही था कि कुछ बेहतर फिल्में बनाऊं जो जो मैं सोचता हूं कि ऐसी बननी चाहिए। और मेहंदी लगा के रखना बनाया, मैं सेहरा बांध के बनाऊं आऊंगा बनाया, और दोनों फिल्में आप सब चूँकि यूट्यूब और बाकी सब मीडिया से आप लोग रूबरू हैं तो आपको पता है कि खेसारी लाल की ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्में हैं दोनों जो मैंने बनाई है। और आगे भी उम्मीद करता हूं कि इसी टाइप की फिल्में बनाऊं। ऐसे मेरे अंदर संगीत और संगीत के साथ रोमांस है, और जब खूबसूरत हीरोइन होती है, खूबसूरत हीरो होते हैं, तो वो और जज्बा अच्छा क्रिएट होता है, और कोशिश करते हैं कि पर्दे पे वो केमिस्ट्री, जैसे काजल राघवानी और खेसारी लाल की केमिस्ट्री मैंने दिखाने की कोशिश की थी, ऐसी कोई केमिस्ट्री बने और आप सब उसको एंजॉय करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.